Hi, good evening students. Today we will be doing the one short revision of board of directors. How are you all? I hope that you all are doing well. इसकी जो detailed videos हैं चार या पांच parts हैं that are available to you in the playlist itself. You can go ahead, watch those parts अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, और अगर आपने देखे हैं then this is going to be really really helpful. ये one short revision है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो अभी हमने कंप्लीट किया था टॉपिक. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू मेक इट टू द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता क्या है. सो बोर्ड एक कलेक्टिव उसको कहते हैं हम, ठीक है. डायरेक्टर क्या होता है, द पर्सन द इंडिविजुअल हु एक्चुअली मैनेजेस द कंपनी. एक्चुअली मैनेजेस द कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट को हम डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ह्यूमन बीइंग्स ही उसे मैनेज करते हैं. जो ह्यूमन बीइंग्स कंपनी को चला रहे हैं एक्चुअली दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं. तो डायरेक्टर्स हैं इंडिविजुअली, हम उन्हें डायरेक्टर्स ही कहते हैं, बट बोर्ड कहते हैं हम कलेक्टिवली. सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बोर्ड. जो यू नो डायरेक्टर्स हैं दे प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे फंक्शनिंग. सारा काम डायरेक्टर्स करते हैं, इनके पास ऑथोराइजेशंस होती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स, तो हमेशा ऐसे याद रखो, पब्लिक, प्राइवेट एंड OPC. डायरेक्टर्स मिनिमम होते हैं 3 to 1 और मैक्सिमम सब में 15 होते हैं. और अगर 15 से ज़्यादा चाहिए देन यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ठीक है. यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. सो पब्लिक, प्राइवेट, OPC 3 to 1, 15 मैक्सिमम डायरेक्टर्स हैं. एंड 15 से अगर एक्सीड करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में. टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी. सो डायरेक्टर्स जो होते हैं दे आर द रियल मैनेजमेंट. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इसी तरीके से चलती है. ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है और मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड के पास होती है. सो बोर्ड के पास व्हेन इट्स अ मैनेजमेंट, तो बोर्ड डज एवरीथिंग बट ऑब्वियसली विद द ऑथोराइजेशन ऑफ AOA. तो डायरेक्टर अपने मन से कुछ नहीं करता, उसके पास ऑथोराइजेशन होनी चाहिए और ऑथोराइजेशन उसे मिलती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से. सो दैट ऑथोराइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायरेक्टर मैनेजमेंट होता है. अगर नंबर की बात करें तो मिनिमम में पब्लिक, प्राइवेट एंड OPC में इतने डायरेक्टर्स चाहिए. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. वैसे तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्मली मेम्बर्स करते हैं या शेयर होल्डर्स करते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बोर्ड भी करती है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ट्रिब्यूनल भी कर देती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जहाँ स्मॉल शेयर होल्डर्स भी करते हैं अपॉइंट, मेंबर्स भी करते हैं, बोर्ड भी करता है. सो नॉर्मली दिस इज देयर, बट अपॉइंटमेंट, रिजिग्नेशन, सीजेशन सब केस में DIR 12 जो है फाइल किया जाता है. DIR 12 जो है फाइल किया जाता है. दिस इज़ हाउ इट गोज. एंड रिमूवल जो है, रिमूवल जो अपॉइंट करते हैं वही रिमूव करते हैं. वैसे तो बोर्ड सारे डायरेक्टर्स के पास पावर होती है, मेंबर्स के पास पावर होती है कि वो उन्हें रिमूव कर पाएँ, बट इतनी बात याद रखो कि रिमूवल के टाइम पे सिर्फ एक ट्रिब्यूनल के एंड से जो अपॉइंटेड डायरेक्टर होता है उसे शेयर होल्डर्स रिमूव नहीं कर सकते, उसे मेंबर्स रिमूव नहीं कर सकते. टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में जाने से पहले, डिग इन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है DIN. DIN होता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो MCA कंपनीज को देता है, ठीक है. इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो MCA कंपनीज को देता है. ये MCA जो है, सॉरी, इंडिविजुअल को देता है, नॉट कंपनीज को, इंडिविजुअल को देता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं अगर यू नो डायरेक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे पहले DIN लेना पड़ेगा, ठीक है. आई वुड नीड द DIN. ओनली द पर्सन हैविंग DIN कैन बिकम द डायरेक्टर. ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है. सो DIN की रिक्वायरमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड DIN इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये यूनिक नंबर होता है, यानी कि जो नंबर मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं होगा. द नंबर विच आई कैरी इज़ अ यूनिक वन. द नंबर विच आई कैरी इज़ अ यूनिक वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. DIN का फॉर्म होता है DIR 3, ठीक है. दो तरीके हैं DIN को ऑब्टेन करने के. अगर एक नई कंपनी बन रही है तो जब स्पाइस प्लस आप फाइल करते हो, ठीक है, स्पाइस प्लस जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे स्पाइस प्लस फाइल होता है तो उसमें 3 मैक्सिमम DIN के स्लॉट्स ऑलरेडी होते हैं. तो नई कंपनीज़ में अगर DIN यू नो डायरेक्टर्स को चाहिए, पर्सन्स को चाहिए, तो उस केस में जब आप स्पाइस प्लस फाइल करते हो
तो मैक्सिमम 3 DINs आपको मिल जाते हैं। नाउ व्हेन आई टेल 3 DINs, ऐसा क्यों? ताकि वो पब्लिक प्राइवेट OPC सबको सफाइस कर सकें, ठीक है। जो पब्लिक है वो मैक्सिमम 3 है, प्राइवेट में 2 है एंड OPC में 1 है, ताकि वो सबको सफाइस कर सकें, इसलिए मैक्सिमम 3 है। नंबर 2, प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर बन रहे हो, देन इन दैट केस DIN कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली थ्रू DIR 3। फिर आपको DIR 3 जो है फाइल करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर एक नई कंपनी बन रही है तो स्पाइस प्लस के साथ 3 DINs उसमें अवेलेबल होते हैं, और अगर एक नई कंपनी की मैं बात करती हूँ तो फिर ये वाला चीज़ आ जाता है, और अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी की मैं बात करती हूँ तो उस केस में DIN जो है वो DIR 3 के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है वेरी वेरी इजीली। DIN ऑब्टेन करते वक्त कुछ वो देने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पहले आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। अगर आप एक इंडियन हो तो आपका पैन कार्ड, वोटर ID, आधार, कुछ भी चल जाएगा, और अगर आप एक फॉरेनर हो तो इन दैट केस यू नीड पासपोर्ट। रेजिडेंट के लिए इंडियंस का जो है बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी चल जाएगा, बस 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और फॉरेनर का जो है वो वहाँ से ट्रांसलेट करके उसे यहाँ पे देना पड़ेगा। एक फ़ोटो चाहिए होती है, बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए कि आपको अपॉइंट कर दिया गया है, स्पेसिमेन सिग्नेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिजिटल सिग्नेचर, DSC, क्योंकि DIN के ऊपर मेंबर के DSC लगते हैं, इस डायरेक्टर के DSC लगते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्टेन करनी पड़ती हैं, राइट। इसके बाद DIR 3 तो आपको पता चल गया, DIR 3 इज़ फॉर ऑब्टेनिंग DIN, DIR 3 फॉर्म है फॉर ऑब्टेनिंग DIN। इसके आगे 2 तरीके के और फॉर्म्स आते हैं, विच इज़ DIR 3 KYC एंड KYC Web। KYC या KYC Web नो योर कस्टमर डायरेक्टर के लिए होता है। फर्स्ट टाइम जो हम करते हैं दैट इज़ DIR 3 KYC, इसमें 1 टाइम फाइलिंग होती है, मेनली मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID के लिए ये होता है, राइट। लेकिन हर साल जो बार बार किया जाता है वो होता है DIR 3 KYC Web। तो फर्स्ट में क्या होता है, जब DIR 3 KYC है, वीडियो बना के अपलोड करनी पड़ती है, मोबाइल नंबर ईमेल ID बताना पड़ता है। लेकिन DIR 3 KYC Web में कुछ नहीं करना होता, एक OTP आता है, OTP आप फॉर्म में डाल दो, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाई चांस DIR 3 KYC Web आप भूल जाते हो, आप नहीं फाइल करते हो, तो DIN जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, बट उसे दोबारा रीएक्टिवेट कराने के लिए आप दोबारा DIR 3 KYC फाइल कर सकते हो। सो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। अगर दोनों चीज़ें आप टाइम पे कर रहे हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह चार्ज नहीं होगी, बट जो वन टाइम फर्स्ट टाइम में करी जाता है दैट इज़ DIR 3 KYC या रीएक्टिवेट करने के लिए, बट जो हर साल कराया जाता है दैट इज़ DIR 3 KYC Web, राइट। कुछ समरी DIN फॉर्म्स की क्या है, DIR 3 आपको पता चल गया फॉर ऑब्टेनिंग DIN, DIR 6 है फॉर एक्चुअली इंटीमेटिंग द चेंज, टू इंटीमेट द चेंज, कोई चेंज हुआ है उसे इंटीमेट करना, DIR 5 है अपने DIN को अगर आप सरेंडर करना चाहते हो, 3B है DIN इंटीमेट करना कंपनी को, 3C है कंपनी इंटीमेट करेगी आगे ROC को, एंड KYC होता है डायरेक्टर का KYC प्रोवाइड करना। सो DIR 3 क्या है, DIN ऑब्टेन करना, DIR 6 है चेंज इंटीमेट करना, DIR 5 है DIN को सरेंडर करना, DIR 3B है DIN इंटीमेट करना कंपनी को, DIR 3C है कंपनी आगे इंटीमेट करती है ROC को, एंड 3 KYC एंड KYC Web KYC के लिए है, राइट। मूविंग अहेड टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं दे आर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, नॉर्मली शेयर होल्डर्स ही इन्हें अपॉइंट करते हैं, सो बाय जनरल मीटिंग। 161 के अंडर बोर्ड इन्हें अपॉइंट करती है, 4 तरीके के डायरेक्टर्स, तो बाय बोर्ड एंड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स एंड बाय ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर से, 2 तरीके होते हैं, कहते हैं अगर तो आर्टिकल स्पेसिफाई करता है, ठीक है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया कि ABC या कोई भी फर्स्ट डायरेक्टर है तो वही फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा, ठीक है, वही फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन AOA, अगर वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड नहीं है, देन इन दैट केस द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, एंड सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जब वो फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि वो फर्स्ट डायरेक्टर हैं, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, एंड वो तब तक डायरेक्टर रहेंगे जब तक AGM नहीं हो जाती और प्रॉपरली मेम्बर्स जो हैं डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर देते, तो टेक्निकली ये फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। सो अगर AOA किसी को स्पेसिफाई करता है तो वही, अगर वो नहीं करता देन इन दैट केस सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो है वो
यू नो दे बिकम द दिस द फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड AGM जो जब तक नहीं हो जाती तब तक, और ये सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है. दूसरा है रेजिडेंट डायरेक्टर. कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि एटलीस्ट एक तो रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, यानी कि वो डायरेक्टर जो पिछले साल फॉर नॉट लेस देन 182 डेज इंडिया में था, तो कम से कम एक तो रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए, राइट. एक तो रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनीज एक्ट 2013 हमें कहता है कि सारे डायरेक्टर्स में से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. वुमेन डायरेक्टर की दो केसेस होते हैं. एक है लिस्टेड कंपनीज, सारी लिस्टेड कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर होने ही चाहिए. और दूसरा पब्लिक कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होगी जहाँ पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है. दोनों में से जो भी थ्रेशोल्ड मैच करे, और आइदर ऑफ द बोथ, दोनों में से जो भी थ्रेशोल्ड मैच करे, वहाँ एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. सो एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर वॉलंटरली, जैसे कि प्राइवेट कंपनी में कोई मैंडेटरी नहीं है तो प्राइवेट कंपनी वॉलंटरली रख सकती है, अदरवाइज लिस्टेड कंपनीज़ ने, और वो पब्लिक कंपनीज़ जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इन्हें एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रखनी ही रखनी है, राइट. इट्स मैंडेटरी. ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर भी डायरेक्टर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बना सकते हैं. लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वही इंसान हो सकता है जो खुद स्मॉल शेयर होल्डर है, ठीक है. तो जब मैं स्मॉल शेयर होल्डर की बात करती हूँ तो उसकी डेफिनेशन होती है वो पर्सन जिसके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000 20,000 से ज़्यादा नहीं है, राइट. इट डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो होता है स्मॉल शेयर होल्डर जिसके नॉमिनल वैल्यू, शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू की जो प्राइजिंग है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसका कोई भी मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने डिटेल्ड वीडियोस में बताया है कि उसका सिर्फ इंटरेस्ट जो होता है वो अपनी सिटिंग फीस पे होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पे होता है एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे होता है. इसके अलावा उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, राइट. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कितने करने हैं, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ ने एटलीस्ट 1/3 अपॉइंट करने हैं, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ में जहां पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और एग्रीगेट लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा है. तो यहां पे अगर 10 करोड़ आया होगा तो भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, यहां 100 करोड़ होगा तो भी आपको अपॉइंट करेगा, लेकिन यहां पे 50 करोड़ पे नहीं बट 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तभी आप इसे अपॉइंट करोगे. इस केस में एटलीस्ट दो डायरेक्टर्स हैं वो चल जाएंगे, ठीक है. ऑन द अदर हैंड सेबी रेगुलेट करती है लिस्टेड कंपनीज को. तो सेबी क्या देखती है, अगर चेयरपर्सन NED है, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होल टाइम डायरेक्टर है वो होता है. तो अगर चेयरमैन ही इंडिपेंडेंट है, चेयरमैन ही बंधा हुआ नहीं है, तो इन दैट केस एटलीस्ट 1/3 बोर्ड भी इंडिपेंडेंट होगा तो चल जाएगा. नंबर टू, अगर चेयरमैन रेगुलर NED नहीं है तो हाफ बोर्ड होना चाहिए. और अगर चेयरमैन NED है लेकिन प्रमोटर भी है, या प्रमोटर से रिलेटेड है, या किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड है जो बोर्ड लेवल पे है या वन लेवल बिलो द बोर्ड है, वहाँ भी हाफ ऑफ द बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट. ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन भी करी है, इन डिटेल्ड वीडियो आपको नज़र आ जाएगी. सो कंपनीज एक्ट एंड सेबी जो है वो ये सारी चीज़ें कहती है. यहाँ पे एक पॉइंट आता है टेन्योर का. टेन्योर भी हमने डिस्कस किया था. टेन्योर में आता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टू कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं. अगर मैं एक टर्म की बात करूं तो एक टर्म में नॉट मोर दैन 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं, और दो टर्म्स के ख़त्म हो जाने के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड देना पड़ता है, विच इज़ ऑफ थ्री ईयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो देना पड़ता है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग अहेड टू, अब मेन आते हैं बोर्ड के डायरेक्टर्स जो सेक्शन 161 में आते हैं.
इन सब में एक एक दो दो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने सुनने हैं, ठीक है। तो बोर्ड नॉर्मली अपॉइंट नहीं करता, नॉर्मली द पावर लाइज विद द मेंबर्स। लेकिन बोर्ड कहाँ कहाँ पे अपॉइंट कर सकता है? नंबर वन, एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर वो होता है जो लाइक एड ऑन डायरेक्टर है, एंड इसका जो टेन्योर है वो नेक्स्ट AGM तक रहेगा, और डेट ऑन विच AGM ought to be held, ठीक है। जिस दिन AGM होनी चाहिए थी, दोनों में से जो भी पहले आ जाए इसका टेन्योर वहाँ तक ही रहेगा, विच एवर इज़ अर्लियर इसका टेन्योर उतना ही रहेगा। बट रिमेंबर दिस वन थिंग कि एडिशनल डायरेक्टर कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट द पर्सन जिसका रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में लगा और शेयर होल्डर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं लग सकता। उसके अलावा कोई भी एडिशनल डायरेक्टर जो है वो बन सकता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर की बात करूँ, ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस डायरेक्टर की जगह पे आता है जो फॉरेन गया हुआ है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर आता है उस डायरेक्टर की जगह पे जो फॉरेन गया है, लेकिन 10-12 दिन के लिए नहीं, आउटसाइड इंडिया, एबसेंट फ्रॉम इंडिया फॉर नॉट लेस दैन 3 months, 3 months या उससे ज़्यादा के लिए वो इंडिया से बाहर गया है, देन इन दैट केस बोर्ड ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखेगी। ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो पर्सन खुद नहीं रख सकता बिकॉज असाइनमेंट ऑफ ऑफिस वैसे भी प्रोहिबिटेड है, सो यू नीड टू चेक दैट कि आप असाइनमेंट ऑफ ऑफिस किसी को नहीं दे सकते। सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, सो ऑफकोर्स कोई भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया गया है 3 months से ज़्यादा के लिए जा रहा है, उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखा जाता है। इसकी टेन्योर, इसका जो जितना भी टाइम पीरियड है वो सारा ओरिजिनल के साथ रिलेटेड है। इन केस ओरिजिनल डाइज आउटसाइड तो इसका भी जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है। सो ही इज़ एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूट, ही इज़ एक्चुअली एन ऑल्टरनेट। सिर्फ एक जगह पे इसे और ओरिजिनल को दोनों को बराबर की इज्जत दी जाती है, दैट इज़ व्हेन नोटिस इज़ सर्कुलेटेड, एजेंडा इज सर्कुलेट, तब ये माना जाता है कि दोनों को ही देना है। अदरवाइज ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज सिंपली अ सब्स्टिट्यूट, सिंपली एन ऑल्टरनेटिव फॉर द मेन डायरेक्टर। सो दैट ऑल्टरनेटिव, दैट सब्स्टिट्यूट नीड्स टू बी सीन। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल्टरनेट वो होता है जो कोई भी डायरेक्टर जो बाहर गया हुआ है, आउटसाइड इंडिया है 3 months से ज़्यादा, ये दो बातें याद रखनी है, 3 months से ज़्यादा वो इंडिया से बाहर गया है, वहाँ पे आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो लगा सकते हो, वहाँ पे आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड को अपॉइंट करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, मैं बात करती हूँ नॉमिनी डायरेक्टर्स की। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देती हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन हेल्प करती है, तो कई बारी वो ये जानना चाहती हैं कि वाकई में आप अच्छा काम करते भी हो कि नहीं करते हो, तो दैट नीड्स टू बी सीन, ठीक है, कि आप कैसा काम करते हो। सो इन दैट केस नॉमिनी डायरेक्टर कम्स इन टू प्ले। नॉमिनी डायरेक्टर एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, या उन इंस्टीट्यूशंस का जो जब पैसे देती हैं तब कहती हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखवाती हैं कि हम अपने एंड से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, इससे जो है शेयर होल्डर्स हटा भी नहीं सकते। सो नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, या इट इज़ नॉमिनेटेड by any institution, किसी भी institution, majorly ये financial institutions के साथ related है। majorly जब कोई भी bank, कोई भी financial institution company को loan देता है, तो वो कहता है कि भाई हमारा एक person आपकी board पे होना चाहिए, उनकी तरफ से nominated होता है to actually check के उनका पैसा safeguard है या नहीं है। प्रोफेशनल डायरेक्टर एक वर्ड आता है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 में। से प्रोफेशनल डायरेक्टर होता है जिसका प्रोफेशन कंपनी से मैच करता है, जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर बन गया, एक हॉस्पिटल की कंपनी है, हॉस्पिटल है, उसमें अगर एक डायरेक्टर डॉक्टर है तो ही इज़ अ प्रोफेशनल डायरेक्टर। अदरवाइज ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं गिवन, लेकिन जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसे हम प्रोफेशनल डायरेक्टर कहते हैं, जिसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एंड लास्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी। अब अचानक से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफिस वेकेंट हो जाए, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म सीट खाली हो जाए, ऑफिस वेकेंट हो जाए, इट कुड बी ड्यू टू रेजिग्नेशन, इट कुड बी ड्यू टू डेथ, यू नो, उस केस में भी पावर बोर्ड के पास आ जाती है कि बोर्ड जो है फटाफट से उसकी जगह पर किसी और को अपॉइंट कर सकता है, अनटिल द जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट ना कर ले। तो जनरल मीटिंग में जब शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर लेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, बट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी जो है हम इसे इस तरीके से देखते हैं, विच इज़ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है। तो इनके पास पावर होती है, जब तक दूसरा डायरेक्टर नहीं आ जाता तब तक जो है कैजुअल वैकेंसी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर अब मेन पॉइंट आता है,
कि बोर्ड कौन सी कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकती है, ठीक है। हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था उस दिन डिटेल्ड क्लास में भी, बोर्ड हमेशा उसी कैजुअल वैकेंसी को डिस्कस कर सकती है इन विच डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, और डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। जो डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं वही क्या, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उन्हीं की कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिल कर सकता है। बोर्ड कैन नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय हिम। उसकी तरफ से अगर कोई अपॉइंट किया गया है तो उनकी कैजुअल वैकेंसी जो है वो बोर्ड फिल नहीं कर सकती, वो अगेन किसे फिल करनी पड़ेगी, मेंबर्स को। तो ये बात हमेशा याद रखनी। कैजुअल वैकेंसी बेसिकली होता है अचानक से किसी का टेन्योर ख़त्म हो जाना, अचानक से किसी का टर्म ख़त्म हो जाना बिफोर द एक्सपायरी, तो उस केस में बोर्ड के पास ये पावर होती है कि वो उसे अपॉइंट कर सकता है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स लाइक सुपरबली ईजी। बट ये चीज़ है कि डायरेक्टर जो है, कौन सा डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट हो सकता है, जिसकी कैजुअल वैकेंसी हुई है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है, वो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है। अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड अपने अपॉइंट किए हुए डायरेक्टर की दोबारा जो है उसको दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकती। सो हेयर वी एंड द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं, ज़्यादा डिटेल में देखना है तो डिटेल्ड वीडियो देख लो। बेसिक चीज़ों के साथ आपकी क्विक रिवीजन हो गई। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और डिटेल्ड वीडियो एंड प्लेलिस्ट लिंक को ज़रूर चेक कर लेना, एंड टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना। ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगी रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिक्स, उसके टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही डिटेल में पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट को ज़रूर रेफर करना, एंड आई विल सुपर सून मीट यू इन अनदर वीडियो, एंड टिल देन कीप स्टडिंग। बाय बाय।